बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन 5 और 7 कंप्लीट कर लिया था। इसमें मेरी कोशिश होगी कि हम कम से कम 4 तो कम से कम कर ही लें। तो ये जो क्वेश्चन 8 है इसको सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के बाहर जो पावर लगी है वो l+m, m+n, n+l। तो जब बेसिस सेम होती हैं तो हम इस पावर को ऊपर ले आके इसके साइन चेंज कर देंगे। प्लस एम है ऊपर ले जाएंगे, माइनस एम, बाकी क्वेश्चन ऐसे ही आ जाएगा। प्लस एन ऊपर ले जाएंगे, माइनस एन, एम प्लस एन, एक्स की पावर एन प्लस एल ऊपर जाएगी, माइनस एल और एन प्लस एल। अब एक बार माइनस में है, सेम चीज़ एक बार प्लस में है, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस। तो a प्लस बी और a माइनस बी, ये फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तब इस तरह की टर्म को हम ऐसे कर सकते हैं, यानी कि ये हो जाएगा l स्क्वायर प्लस माइनस माइनस m स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, x x x, यानी कि तीनों बिल्कुल सेम है, बेस सेम है, तो पावर्स एक साथ कर लेंगे सारी। एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, जो जो सेम होगा, यानी कि ये प्लस एल स्क्वायर, ये माइनस एल स्क्वायर, ये आपस में कट रहा है। माइनस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर कट रहा है, ये भी कट रहा है। पावर बच गई 0। जब भी किसी पे पावर 0 होती है वो वैल्यू पूरी 1 के इक्वल हो जाती है। तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पे 1। सॉल्व करेंगे अब। बेसिस सेम है, पावर ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी पूरे की, ये प्लस भी ऊपर ले जाएंगे, माइनस भी, बाकी पावर ऐसे ही बच जाएगी। ये प्लस सी है, माइनस सी हो जाएगी, ये सी, ये प्लस ए है ऊपर जाके माइनस ए, और बाकी पावर ऐसे ही आ जाएगी। ये वाला जो ए है ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस भी पूरे 3 से मल्टीप्लाई होगा। ए और ए, ए स्क्वायर प्लस प्लस प्लस, ए और बी, ए बी प्लस माइनस माइनस, ए और सी, ए सी। अब बी से मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों नंबर्स को, इन तीनों मतलब ए बी सी को, माइनस प्लस माइनस ए बी, माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस बी सी, एक पी की आ गई। अब मल्टीप्लाई सेकंड वाला है, बी को मल्टीप्लाई करेंगे पहले, बी और बी, बी स्क्वायर प्लस 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 बी सी प्लस माइनस माइनस ए बी। अब सी से करेंगे प्लस माइनस माइनस बी सी प्लस माइनस माइनस सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए सी। अब जगह नहीं बची, नीचे शुरू करेंगे, ये वाली लास्ट टर्म कर रहे हैं मल्टीप्लाई। सी से करेंगे मल्टीप्लाई पहले, सी ए यानी कि ए सी प्लस 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 सी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी सी। अब ऐसे करेंगे माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ए सी माइनस माइनस प्लस ए बी। कोई वैल्यू कट रही है अगर आपको लग रहा है तो काट दो, जो साइन ऑपोजिट हो। प्लस ए बी नहीं कटेगा, प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसिल हो जाएगा। इस वाली में देखते हैं, प्लस बी सी माइनस बी सी भी कैंसिल हो जाएगा। इसमें देखते हैं, प्लस ए सी माइनस ए सी कैंसिल हो जाएगा। ये पी बेसिस सेम है, एक बार लिखने सारी पावर्स एक जगह कर लेंगे। ए स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी। माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल,
माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस ए सी प्लस ए सी कैंसिल, प्लस बी सी माइनस बी सी कैंसिल, प्लस ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस बी माइनस बी भी कैंसिल, पी की पावर जीरो बची। जब भी पावर जीरो होगी आंसर क्या आएगा? वन। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे इसी एक्सरसाइज का। 5 की पावर 3 होता है 125, इसके बाद पावर ऐसी आ जाएगी। 8 होता है 2 का क्यूब। 64 के लिए पहले बहुत दफ़ा एलसीएम लेके दिखा चुकी हूँ तो डायरेक्ट कर रही हूँ, 2 को आप 6 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। 1/3 पूरे में है, 3 टू ज़ा 6, 2 की पावर 3, 6 टू ज़ा 12। ये पावर तीनों पर अप्लाई करेंगे, 3 2 6 कैंसिल, 3 4 12। ये बचा 5 की पावर 2, 2 और 2 की पावर 4। ये 1 2 से 1 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2 की पावर 3 बचेगी। 5 की पावर 2 का मतलब ये है कि 5 5 ज़ा, और 2 की पावर 3 का मतलब क्या है? 2 को 3 दफ़ा करेंगे तो ये आएगा 25/8, और इसका एलसीएम आप होल में लेके आ जाओ, 8 3 24 8 1 3, ये हो जाएगा आंसर।